मॉर्निंग, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। पीएम के मन की बात कार्यक्रम का यह 68वीं बार संबोधन होगा। अनलॉक 4 को लेकर कर सकते हैं अपनी बात। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज, कोरोना को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, विकास कार्यों की भी करेंगे समीक्षा। सीएम योगी आज महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि कार्यक्रम में होंगे शामिल। 5 सितंबर तक चलेगा कार्यक्रम, दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी ने काशी के कोतवाल मंदिर पहुंचकर किया दर्शन पूजन। काल भैरव के दर्शन के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में भी टेका मत्था। काशी विश्वनाथ मंदिर में चल रहे कार्यों का सीएम ने किया स्थलीय निरीक्षण। अनलॉक 4 में 7 सितंबर से देश भर में चलेंगी मेट्रो ट्रेन। स्कूल कॉलेज अभी रहेंगे बंद, सिनेमा हॉल खोलने पर अभी पाबंदी। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस की जारी। मेट्रो चलाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे खुशी है कि मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से अपना परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोह की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग ही मौजूद रह पाएंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार ऐसे समारोह में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल अभी भी बंद रहेंगे। वहीं कंटेनमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल कॉलेजेस को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 35,39,712। पिछले 24 घंटे मिले 78,489 नए मरीज। देश में कोरोना से अब तक 27 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं स्वस्थ। अब तक 63,657 लोगों ने जान गंवा दी। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 706 नए मामले। अब तक संक्रमितों की कुल संख्या 18,571। इस वक्त एक्टिव केस 5,735। लखनऊ के गौतमपल्ली में मुख्यमंत्री आवास के पास रेलवे में IRTS अधिकारी राजीव दत्त वाजपेयी की पत्नी और बेटे के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों के शव सरकारी बंगले के पिछले कमरे में बेड पर पड़े मिले। हार्ड सिक्योरिटी जोन में डबल मर्डर की सूचना से महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे मौके पर पहुंचे, जांच शुरू कर दी गई। इस बीच DGP SC अवस्थी और ADG भी घटनास्थल पहुंचे, हालात का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने बताया कि रेलवे अधिकारी RD वाजपेयी दिल्ली में तैनात हैं। यहां पर गौतमपल्ली स्थित रेलवे के सरकारी आवास में उनकी पत्नी मालती, बेटा सर्वदत्त उर्फ शरद वाजपेयी और बेटी रहते हैं। नौकरों ने मालती और सर्वदत्त के खून से लथपथ शव देख पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य का हुआ वीडियो वायरल। पत्रकार को पत्रकारिता छोड़ने की दी सलाह, कहा पत्रकारिता छोड़ दो, नेतागिरी करो। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, पत्रकारों ने हमले को लेकर पूछा था सवाल। गोरखपुर में PWD के सहायक अभियंता का हुआ तबादला। पिछले कुछ दिनों से इसी अभियंता KK सिंह को लेकर सांसद और विधायक के बीच छिड़ी थी जंग। इंडिया न्यूज ने बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी खबर। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग और उनकी पत्नी ने कोरोना को मात दे दी है। आपको ये बताएं कि बीते हफ्ते कोरोना की वजह से उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में एडमिट किया गया था। मंत्री अतुल गर्ग और उनकी पत्नी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।
लाल निशान से उतर रही सरयू अब सीमा समीपवर्ती गांव का आशियाना उजाड़ रही है। तीव्र वेग की धारा का कटान कम नहीं हुआ, पहले कृषि योग्य भूमि को निकली और अब आबादी की ओर रुख कर गई। कासगंज में अलग अलग अपराधों में कोर्ट से वांछित चल रहे आधा दर्जन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कार्रवाई की है। वहीं पॉक्सो एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी से पुलिस ने एक तमंचा और दो अदद कारतूस की बरामदगी की और पुलिस ने आरोपी से एक मारुति स्विफ्ट डिजायर कार को भी बरामद किया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में स्विफ्ट गाड़ी से चार्टर्ड अकाउंटेंट को घसीटने वाले आरोपियों का पुलिस के पास कोई सुराग नहीं है। सोसाइटी के बाहर लगे खड़े हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट विनय कुमार निर्मल को स्विफ्ट गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। टक्कर के बाद भी स्विफ्ट गाड़ी सवारों ने गाड़ी नहीं रोकी। टक्कर के बाद विनय कुमार निर्मल गाड़ी के अगले हिस्से में फंस गए थे। वो चिल्लाते रहे लेकिन गाड़ी नहीं रोकी गई। करीब 1 किलोमीटर तक उन्हें घसीटा गया जिससे उनकी मौत हो गई। मेरठ में युवती को ब्लैकमेल करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की शुरू। बस्ती में एसबीआई में कार्यरत बैंक कर्मी और ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले युवक ने लाखों का चूना एक युवक को लगा दिया। ठगी की जानकारी मिलते ही पीड़ित हीरालाल ने ठगी की सूचना गौर थाने पर दी, जिसके बाद गौर पुलिस ने प्राथमिक दर्ज कर साइबर सेल के साथ मिलकर शुरू की जांच। फिरोजाबाद में बीते दिनों 2 साल की मासूम बच्ची की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पिता ने खुद की अपनी मासूम बच्ची की गला काटकर हत्या और हत्या में बच्ची का चाचा भी शामिल। रुपए के लेन देन को लेकर दूसरे पक्ष को फंसाने को लेकर की मासूम बच्ची की हत्या। गाजीपुर में सरकार के आदेशों का पालन किया जा रहा है, जिसके वजह से मुहर्रम के पर्व पर लोगों ने मातम घर पर ही मनाने का मन बना लिया। इकट्ठा होकर ताजिया ना निकालने का फैसला लिया गया। मेरठ में कोरोना का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाह बने हुए हैं। लेकिन अब शनिवार और रविवार के लॉकडाउन को लेकर पुलिस और भी ज्यादा सख्त हो गई है। एएसपी इरज राजा ने खुद कमान संभाली और शहर के हालातों का जायजा लेने के लिए वो निकल गए। सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा के मोटो और स्लोगन पर काम करने वाली पुलिस को भारतीय सेना में तैनात जवानों से शांति भंग का खतरा मंडराने लगा है। वह भी ऐसे जवान जो सरहद पर देश की शांति व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। पिछले 8 महीनों से अपने घर तक भी नहीं आए हैं ऐसे जवानों से अमेठी पुलिस को शांति भंग का खतरा होने लगा। पुलिस उन जवानों का बगैर उपस्थिति में 107/16 में शांति भंग की कार्रवाई करते हुए कोर्ट भेज दिया है। मथुरा में आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर युवती से छेड़खानी। मनचले ने चलती स्कूटी में युवती को खींचा। मनचलों के खींचने पर बीच रोड पर गिरी युवती, आज सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। सहारनपुर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 शातिर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से पुलिस ने 70 किलो डोडा पोस्त चूर्ण, 200 ग्राम स्मैक, 200 ग्राम अफीम समेत 10 टायरा ट्रक किया बरामद। महाराजगंज जनपद के नौतनवा थाना क्षेत्र में एक वहशी दरिंदे द्वारा नाबालिग बच्चे को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के बाद निर्मम तरीके से गला घोट कर हत्या कर दी गई। पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। प्रतापगढ़ में अवैध असलाह बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 असलाह तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 असलाह तस्कर चल रहा है फरार। 13 तमंचे, असलाह बनाने के तमाम उपकरण पुलिस ने किया बरामद। बिजनौर जिले के हरदौर थाना इलाके के पैजनिया गांव के जंगलों में कुएं के अंदर एक महिला की लाश को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कुएं के अंदर से निकलवाया।
भदोही में तालाब में डूबकर मां और बेटी की मौत हो गई। जानकारी मिल रही है कि 10 वर्षीय बेटा तालाब में नहा रहा था, उसी दौरान वह डूबने लगा। बेटे को डूबता देख मां बेटे को बचाने के लिए तालाब में कूद गई। बेटे को बचाने के दौरान मां भी डूबकर उनकी जान चली गई। बरेली में मुहर्रम को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जिले में फ्लैग मार्च कराए जा रहे हैं, साथ ही साथ साप्ताहिक लॉकडाउन के दौरान काफी सख्ती बरती जा रही है, जिससे लोग अपने घरों में रहे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मिर्जापुर के अरौरा थाना इलाके के खाजीपुर गांव में अधेड़ की धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दी गई। पास में सो रहे उसके पत्नी के गला दबाकर मारने की कोशिश किया गया तो वहीं वो बच गई। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंचे एसपी ने कहा कि वारदात का खुलासा जल्द होगा। प्रयागराज जोन के एडीजी प्रेम प्रकाश हमीरपुर के मौधा कोतवाली में निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण किया, संतुष्ट दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया। बरेली में पुलिस मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी बदमाश कलेक्टर सिंह गिरफ्तार। घायल बदमाश जिला अस्पताल में भर्ती। लूट और चोरी के मामले में पीलीभीत से वांछित चल रहा था बदमाश कलेक्टर सिंह। आगरा में चोरी के आरोप में नाबालिग के साथ बेरहमी। नाबालिग का किया गया सिर गंजा। मंदिर के गुल्लक से चोरी के आरोप में दी गई तालिबानी सजा। रामपुर में जोहर कोविड सेंटर से जेल में बंद हत्या के आरोपी के फरार होने की खबर से पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सीओ स्वार समेत जेल डिपार्टमेंट के कई अफसर वहां पर पहुंचे। कोविड सेंटर के अधिकारियों से बंदी के फरार होने की वजह जानने में लगे हुए। मैनपुरी में शर्मनाक घटना का वीडियो हुआ वायरल। महिला और उसके प्रेमी का सिर गंजा किया गया। जूतों की माला डालकर मानवता को किया गया शमशाद। प्रेमी के साथ विधवा महिला को लोगों ने पकड़ लिया था। बागपत में बकायेदार का कनेक्शन काटने गए बिजली विभाग के जेई से मारपीट। जेई महिपाल और उनकी टीम से मारपीट की गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बहराइच में चोरों ने दिन दहाड़े उड़ाया रुपयों से भरा बॉक्स। गला मंडे से जगदीश प्रसाद और सुरेश कुमार की फर्म पर चोरों ने किया हाथ साफ। बक्से में रखा 2.5 लाख की नकदी लेकर उचके हुए फरार। दिन दहाड़े हुई चोरी से व्यापारियों में आक्रोश। बलरामपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों को नहीं मिल रही सरकारी सुविधा। कोरोना संक्रमित मरीज ने L1 हॉस्पिटल से वीडियो किया वायरल। शौचालय में नहीं है दरवाजा, नल से आ रहा प्रदूषित पानी। सहारनपुर के सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी परिसर में अचानक आया तेज पानी। पहाड़ों पर बारिश की वजह से हुई बाढ़ की स्थिति। पानी के तेज बहाव में बह गई कार। मंदिर परिसर में घंटों तक फंसे रहे कई श्रद्धालु। फिरोजाबाद नगर निगम की एक बड़ी कार्रवाई। निर्माण चल रहे आशावाद नाले की ड्रिलिंग को कराया ध्वस्त। मानक के अनुसार कार्य उचित कार्य न करने पर ठेकेदार के कार्य पर की गई कार्रवाई। लखीमपुर खीरी जनपद में ताबड़तोड़ हो रही आपराधिक घटनाएं सरकार के लिए सर दर्द का कारण बन गई हैं। इन आपराधिक घटनाओं की वजह से लखीमपुर जनपद लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर एडीजी ने जिले का दौरा किया। पुलिस अधिकारियों को अपराध पर कमर कसने को कहा गया। मुजफ्फरनगर में कर्ज में डूबे किसान ने जहर खाकर दी जान। 3 दिन से लापता किसान इलमदीन का गन्ने के खेत में पड़ा मिला शव। मौके पर पुलिस और ग्रामीणों का जमावड़ा। मृतक किसान के ऊपर बैंक और सोसाइटी का था कर्ज। श्रावस्ती में जीएम एसपी और एडीएम ने लूट मार्च निकाला। गणेश चतुर्थी और मुहर्रम को लेकर घरों में ही पर्व मनाने की अपील की गई। नसीहत दी गई कि नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलिया के बैरिया थाना क्षेत्र के नेकराय टोला गांव में पूर्व सांसद भरत सिंह के पौत्र को दबंगों ने जमीन विवाद में मारी गोली। घायल हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती।
गोंडा में लेन देन के विवाद में युवक समझौता कराने के नाम पर एक युवक के अपहरण का प्रयास किया गया। युवक ने विरोध जताया तो अपहरण में नाकाम बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। गनीमत रही कि इस दौरान आरोपियों की बाइक फिसल गई और गोली युवक की जांघ में लगी। फायरिंग की घटना से अफरातफरी मच गई। आरोपी भाग निकले। घायल युवक को पुलिस ने जिला अस्पताल में किया भर्ती। कानपुर देहात के प्रधानपति पर की गई कई राउंड फायरिंग। प्रधानपति ने भागकर बचाई अपनी जान। सूचना के कई घंटे बाद मौके पर पहुंची पुलिस। जमीनी विवाद के निपटारे के लिए गए प्रधानपति। 12 से ज्यादा हमलावरों में 2 की हुई पहचान। गाजियाबाद में मोदी नगर पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने युवती का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर युवती के मैसेंजर से कई लोगों को अश्लील फोटो और मैसेज भेजा। आरोपी से बरामद मोबाइल में अन्य युवतियों के मैसेंजर अकाउंट भी पाए गए हैं जिनसे उसने अश्लील मैसेज और वीडियो लोगों को भेजा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कानपुर देहात में कोविड मरीजों का मस्ती का वीडियो हुआ वायरल। कोविड मरीज डांस करते हुए वीडियो में नजर आ रहे हैं। जिलाधिकारी और कोरोना योद्धाओं की तारीफ हो रही है। माते स्थित केंद्रीय विद्यालय में बने L1 हॉस्पिटल का है ये वीडियो। सरकार की लाख चेतावनी के बावजूद कोरोना महामारी को लेकर सुल्तानपुरी में सरकारी विभाग की सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जहां पर रजिस्ट्री विभाग में 6 बजे के बाद भी जमीनों की रजिस्ट्री हो रही है। नोएडा पुलिस ने कैसे कंपनी का भांडा फोड़ किया है जो कि ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली प्राइवेट प्रोडक्ट बनाती थी। एक शिकायत मिलने पर जब नोएडा पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो हिंदुस्तान लेवर कंपनी के प्रोडक्ट की हूबहू नकल कॉफी वहां पर बनाई जा रही थी। हारपेट सर्फ एक्सेल डिटॉल जैसे तमाम प्रोडक्ट्स थे जिनकी नकली कॉपी करके पुणे मार्केट में बेचा जाता था। फिलहाल पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में ब्रांडेड कंपनी का नकली सामान बरामद किया। सोशल मीडिया पर इन दिनों गाजीपुर के पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह के द्वारा गाया हुआ एक गीत हमसे का भूल हुई काफी सुर्खियों में है। आपको बताएं कि वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस अधीक्षक काफी दर्द भरे नगमे गा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि यह गीत उन्होंने कोरोना पॉजिटिव होने के दौरान अस्पताल के कमरे में उस वक्त गाया था जब उन्हें अपनी जिंदगी से निराशा होने लगी थी और उन्हें लगा था कि पता नहीं इस कोरोना वायरस की वजह से अब वह अपने लोगों से मिल पाएंगे या नहीं। तब उन्होंने इस गीत को गाकर अपना दर्द बयां किया था। गाजियाबाद के मोदी नगर की हापुड़ रोड स्थित मोदी पुंड पुलिस चौकी में निकला कोबरा। पुलिस कर्मचारी के बैरक में निकला कोबरा सांप। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कोबरा को जंगल में छोड़ा। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में छोटे बच्चे लगा रहे मौत की छलांग। बारिश के बाद उफनाई रामगंगा नदी। जामा मस्जिद पुल नदी में कूद रहे बच्चे। अब तक 3 की डूबने से हो चुकी है मौत। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के मुंडाखेड़ा नहर मूर्ति विसर्जित करने आए युवक कपिल के नहर में डूबा। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश में जुटी। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रकोप के बीच काशी में तंत्र साधना सीखने आई अमेरिकन महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अमेरिकन महिला दशाश्वमेघ थाना क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में रुकी थी। वाराणसी पुलिस ने महिला की मृत्यु की सूचना दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास को दे दिया। पुलिस को गेस्ट हाउस वालों ने बताया कि अमेरिकन महिला मां काली की उपासक थी। बनारस में रहकर तंत्र साधना सीख रही थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। जालौन के कोटला थाना क्षेत्र में ग्राम छिरावली में पति ने मायके जाने से मना किया तो महिला ने आक्रोश में आकर अपनी 2 नाबालिग पुत्रियों की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना आरोपी महिला के पति ने थाना पुलिस को दी। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी महिला को कर लिया गिरफ्तार। पुलिस ने बताया कि महिला घर में अकेली थी। पति महिला को मायके जाने से उसने रोका जिससे आक्रोशित होकर महिला ने दोनों बच्चियों की गला दबाकर हत्या कर दी। कौशाम्बी में एक दूसरे पर लाठी डंडे से हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी मिल रही है कि वीडियो करारी थाना के चिमिरचा गांव का है। जमीनी विवाद में लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे यहां पर चले।
मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र में उस वक्त एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया जब एक ट्रेन टूटी पटरी से गुजरने लगी। अमृतसर से हावड़ा जा रही एक पार्सल ट्रेन में 3 डिब्बों में सेना के दर्जनों जवान मौजूद थे। हालांकि टूटी पटरी देखकर एक स्थानीय युवक ने लाल कपड़ा दिखाकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक ट्रेन के कई डिब्बे टूटी पटरी से गुजर चुके थे, जिसके वजह से ट्रेन को जोरदार झटका भी लगा, जिसके बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोका गया। एनसीआर में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर पुलिस की चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में गाजियाबाद पुलिस ने एक नया फॉर्मूला निकाला, लोगों को साइबर अपराध से बचाने के तरीके पुलिस रोड पर बता रही है। इसकी जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस को दी गई है। ट्रैफिक पुलिस पैम्फलेट देकर लोगों को साइबर अपराध से बचने के तरीके बता रही है। रेड लाइट पर रुके हुए वाहन चालकों से ट्रैफिक पुलिस सीधे बात कर रही है। मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज समेत कई जिलों में बारिश का अनुमान। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बंशीधर भगत और बेटे विकास भगत की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सुशीला तिवारी अस्पताल में किया गया भर्ती, विकास के संपर्क में रहे लोगों ने खुद को किया आइसोलेट। मसूरी में 84 परिवारों को मिलेगा उनका नया आशियाना, प्रशासन ने आईडीएच बिल्डिंग का किया निरीक्षण, बिल्डिंग में रह रहे लोगों का किया गया सत्यापन। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने जोशीमठ के मुख्य चौराहे पर नशे के कारोबार और पुलिस के द्वारा लगातार की जा रही वसूली के खिलाफ विरोध किया। हरिद्वार में कोरोना का कहर लगातार जारी, कोरोना संक्रमण की वजह से कोषागार एआरटीओ किया गया बंद, बैंक सीएचसी ज्वालापुर सहित नगर कोतवाली को भी किया गया बंद। एक दिन में मिले हरिद्वार में कोरोना के 183 नए मामले। मसूरी में चला बड़ा हादसा, अनियंत्रित कार गहरी खाई में गिरने से बची, कार में 4 लोग थे सवार। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को बाहर निकाला, क्रेन से कार को निकाला गया बाहर। टिहरी बाईपास बासाघाट के पास हुआ हादसा। विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन पर बना गाना तेजी के साथ हो रहा वायरल, जिसमें कहा गया कि हमें नहीं चाहिए ऐसा चैंपियन जो कि हमारे उत्तराखंड को गाली दे। पहाड़ों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर आए कालाचुंगी के मैथीसाह नाले में एक वैगन कार तेज बहाव में बह गई, कार सवार रामनगर से हल्द्वानी की ओर जा रहे थे, हालांकि स्थानीय लोगों की मुस्तैदी के वजह से बचा लिया गया। टिहरी जिले के घनसाली के नैलचामी नदी में पानी पीने गई गाय अचानक उफनती नदी की तेज धार में फंस गई। नदी की तेज धार में फंसी गाय की सूचना स्थानीय लोगों ने एसडीआरएफ और घनसाली थाना पुलिस को दी। एसडीआरएफ और घनसाली थाना पुलिस गाय को नदी से बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू किया। एसडीआरएफ के 2 जवान जान जोखिम में डालकर कमर के रस्सी के सहारे उफनती नदी की तेज धार में उतर गए। कई घंटों के रेस्क्यू के बाद गाय को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। झांसी में पीएम मोदी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का किया उन्होंने वर्चुअल लोकार्पण, कार्यक्रम में 75 कृषि विश्वविद्यालय के जुड़े छात्र मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य किसानों को एक उत्पादक के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब किसान और खेती उद्योग के रूप में आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गाँव में और गाँव के पास ही रोजगार और स्वरोजगार के अवसर तैयार होने वाले हैं। सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। फिल्म को काफी खराब रेटिंग मिल रही है। वेबसाइट IMDb ने फिल्म को 10 में से 1.1 रेटिंग दी है। तू ऐसी मौत मरने के लिए नहीं बना है मेरे दोस्त, जीना तो पड़ेगा ना यार। जिसने मेरी जिंदगी को जिंदगी दी।
लेखक चेतन भगत की नई बुक वन अरेंज्ड मर्डर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। चेतन भगत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बुक का एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें विक्रांत मैसी का अलग अंदाज देखने को मिल रहा है। सलमान खान बिग बॉस 14 के साथ छोटे पर्दे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर बन गए हैं। बिग बॉस 14 को होस्ट करने के लिए सलमान को कुल 250 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। बिग बॉस 14 को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। बॉलीवुड स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया है। सुशांत सिंह राजपूत को मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को इंडिया का ऑस्कर कहा जाता है। एक्टर संजय दत्त लंग कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने के लिए अमेरिका नहीं जा पा रहे। पहली वजह कोरोना वायरस महामारी, तो वहीं दूसरी वजह उनके फेफड़ों में फ्लूइड काफी तेजी के साथ जमा हो रहा है। संजय को चौथे स्टेज का कैंसर हुआ है।